आप सबको मेरा सलाम। अहिंसा में गणेश विसर्जन की जो ये एडवांस में जो मीटिंग रखी गई वो बहुत अच्छी बात मालूम हुई पुलिस की तरफ से। अमूमन ये होता है कि मीटिंग जो है गणेश बैठने के बाद रखी जाती, ये एक काम तो नए होते हुए भी हमारे डीएसपी साहब और सर्कल साहब ने अच्छा किया। और साथ ही साथ जो माहौल जो अब तक भी मैं जिस तरह से सुनते आया इस पीस मीटिंग के अंदर, एक बात जो है हमारे हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग ज़रा बोलने में भूल गए, नहीं मालूम क्या है। मैं हमारे डीएसपी साहब से ये बात, हमारे सर्कल साहब और डीएसपी साहब चूँकि पिछले दफ़ा के जो कारकर्दगी थी गणेश में मुस्लिम समाज की, उसको उनके नॉलेज में लाने के लिए मैं आप लोगों से कहूँगा ये बात ज़रूर कि पिछली दो दफ़ा में गणेश विसर्जन का जुलूस और हमारा मुस्लिम समाज का ईद बकरीद जिसे बोलते ईद उजुहा जो परसों गई, दो मिलकर आते थे, तीन बार से मिलकर आते थे। और इस मिलकर आने में ऐसे सेंसिटिव प्लेस पे जो मशहूर से मशहूर है पूरी रियासत में कैसा हुआ, और चूँकि बकरीद बोले तो कुर्बानी की ईद रहती और ज़रा माहौल गर्म रहता, ये एक फिक्र थी पुलिस डिपार्ट को और हमारे आम अच्छा जहन रखने वाले लोगों में। लेकिन हमारे जो चेयरमैन हैं जाबिर अहमद साहब, जिन्होंने पिछले 10 साल एक्सपीरियंस के बाद तीसरी मरतबा मुंतखब होकर आए और उनके चेयरमैन के पीरियड में ये सिलसिला चालू हुआ, दोनों ईदें एक साथ आई, तो उस सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए आपके एसपी साहब, डीएसपी साहब और आईजी साहब से रब्त पैदा हुआ कि कैसा इंतजाम करना है। क्योंकि हमारा जो ईदगाह है, ईदगाह और गणेश विसर्जन का जो अख्तितम होता गडरना वालू प्रोजेक्ट, वो दोनों एक ही रूट पे है और रूट जो है बहुत कंजेस्टेड है। जो रूट से हमारे विसर्जन लेके जाते हिंदू भाई वही रूट है, और नमाज पढ़ के आने का रूट भी हमारा वही सेम था। इस सिलसिले को मौजूद रखते हुए जब पुलिस और दूसरे महकमे के लोग रियासती सतह पर तश्वीश में थे, उस वक्त जाबिर अहमद साहब ने मुस्लिम समाज के जिम्मेदार उलमाए दीन और हमारे मजहबी जितने भी मस्जिद के इमाम वगैरह से मीटिंग किए, मीटिंग कर उन्होंने जो कुर्बानी दी वो मैं दरअसल वो बताना चाह रहा हूँ। वो कुर्बानी सबकी सबके मशवरे से आपने जो है नमाज का जो टाइम था वो विसर्जन के लोगों को जाते पर या आते पर एक दूसरे को मुलाकात नहीं होना, एक दूसरे की शरणगिरी मालूम नहीं होना, हर एक पे तो अपना कंट्रोल नहीं रहता, अच्छे लोग थोड़े रहते, कुछ ऐसे भी आ जाते। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे चेयरमैन साहब ने मीटिंग की और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि नमाज का टाइम को जरा उनको भी दिखना नहीं, तकलीफ नहीं होना, बल्कि वो सिर्फ सेफ एरियो में करे। दूसरे दिन विसर्जन के दूसरे दिन ये कुर्बानी दी है हमारे मुस्लिम लोग, ये हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से ये कुर्बानियाँ हैं। हमारे लोग चूँकि भूल गए थे, मैं ये बात मुनासिब समझा हमारे डीएसपी साहब के सामने रखने। और हमारे पास का जो माहौल है, जैसा कि अभी हमारे पास टाइम अच्छा है, लोगों का जो है जहन अच्छा हो गया, पिछले तीन बार में बहुत आसानी से गणेश विसर्जन अमल में आया। इस बार सिर्फ एक आम जहन में ये खदशा है कि इलेक्शन चूँकि डिक्लेयर है हमारे पास, रियासती हुकूमत तहलील कर दी गई, वो एक खदशे के तौर पे लोगों में एक छोटी सी बेचैनी है, उसके लिए आपको बहुत ही मुतहरिक होना पड़ेगा डीएसपी साहब। वही बात म्यूनसिपल की तरफ से, म्यूनसिपल्टी की तरफ से जाबिर अहमद साहब ने जब से चार्ज लिया म्यूनसिपल में गणेश विसर्जन का, तो उन्होंने पिछले 10 साल में जो कारकर्दगी थी उसके बाद किसी को वो कारकर्दगी नहीं दी थी। फिर बाद में अल्लाह ताला का शुक्र और करम रहा कि एमआईएम फिर से एक बार इख्तदार में 5 साल के गैप के बाद आई, फिर जाबिर अहमद साहब हमारे चेयरमैन ने जो इंतजाम शुरू किए। पहले होता क्या था, लाइट जो है सिर्फ विसर्जन के मुकाम पर रहती थी, तो गणेश मंडपों के पीछे जो गाड़ी रहती उसकी लाइट रहती थी, ये गांव का जितना भी रास्ता है ईदगाह तक विसर्जन के पॉइंट तक वहां तक लाइट नहीं रहती, क्योंकि वायर नीचे है, डिपार्टमेंट की तरफ से लाइट बंद हो जाती थी।
उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फिर एक नया अपना तजुर्बा जाहिर किया कि नए जनरेटर्स, बड़े जनरेटर्स मंगाकर जनरेटर के वायरिंग पंजेशा से लेकर उद्धव बाबू तक टोटल जो है जनरेटर की लाइटिंग लगा दिए गए, ताकि हमारे जो हिंदू समाज के बिरादरी है उसमें बच्चे बूढ़े खवातीन ज़्यादा तादाद में रहते, उनको रात में किसी किस्म की कोई घटना ही नहीं होना। ये हमारे बल्दिया का और म्यूनसिपल्टी का जाबिर अहमद साहब का ये कारनामा है और इसके लिए हम फंड की फिक्र नहीं करते। पिछले दफ़ा भी म्यूनसिपल्टी को फंड्स, हमारे पास कोई स्पेशल मेजॉरिटी बजट नहीं रहता इस फंक्शन के लिए हमारे पावर्स में, बावजूद उसके उन्होंने अपने तजुर्बे से जितना भी खर्च हो सकता पहले भी करते हुए आए। इस बार